माल ओके है। ये ले पेमेंट और माल अगली बार और ज्यादा चाहिएगा। माल की फिगर मत कर, जितना चाहे माल ले, पर आजकल थोड़ा बच कर। पुलिस बहुत जांच पड़ताल कर रही है, थोड़ा ध्यान से काम करो। पुलिस की टेंशन तू मत रख, मैं आप संभाल लूंगा। अरे कौन है वहां, कौन है, देख क्या। जा तू भी जा। हाँ भाई मोटू, तेरा क्या करें अब, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। पाछे न देख। सरदार जी केक राई भी इसका। एनु पकड़ के ले जाएंगे तो ये छूट जाना है, फिर जाके पब्लिक विच जहर बेचना। ये तो सच्ची बात है। ऐदा करते हैं, ऐदा पत्ते काट दें दिया। करना क्या चाहते हो तुम? अरे क्या करोगे तुम? तुम ऐसा नहीं कर सकते। तू ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? ओके फिर। हाँ भाई क्या कर रहा तू? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अपना दिखता नहीं। अच्छा क्या प्रोग्राम तेरा बड़ा होगा, क्या बनेगा तू? चांद पे जाऊंगा। बहुत बढ़िया बात ये तो भाई, चांद पे जाके क्या करेगा? रील बना के लाऊंगा। रील बना के? मन ने सोचा कोई बड़ा काम करेगा अपना, चांद पे रील बनाना छोटी बात लग गए। हाँ छोटी बात तो कोई। ओ सरदार जी आई। ओ चाय लिया यार, कितनी देर होगी? आमर मम्मी ना सरदार जी की कहो। आओ मेरा बेटा। तू ना अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, ज्यादा सवाल जवाब मत क्या कर। ये तो चांद पे जाएगा तो मेरा बेटा क्या बनेगा, बड़ा होगे? आईएएस अफसर बनूंगी। देख मेरा बेटा आईएएस अफसर बनेगा। और मैंने आपको कितनी बार बोला है, मैंने अब तो सरदार जी कहना बंद करो। यार सच बताऊं, मन्नत है ना सरदार जी कहने में स्वाद आवे। और तू जब तक आई है ना, जिंदगी ना स्वर्ग हो गई है। और तू सही कहा करती, औरत में ना आदमी की कोई इज्जत नहीं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, लो चाय पियो, ज्यादा रोमांटिक होने की लोड़ नहीं है। ए, बेबी।
हेलो, नमस्ते। हाँ जी, हेलो। हाँ धर्मू भाई, अच्छा क्या प्रोग्राम है? अच्छा, सफ़र में हम सफ़र, चलो ज़रूर। तो कितने बजे आना है? 8 बजे शाम को? तो ठीक है, दोनों? हम दोनों? हाँ हाँ, दोनों ही आएंगे। ठीक है, पुलिस की ड्रेस में ही आएंगे। ठीक है, ओके, बिल्कुल, मिलते हैं 8 बजे। देसी पत्रकार हम का एक प्रोग्राम है, सफ़र में हम सफ़र। अच्छा, तो अपन दोनों आन चलना है, कल शाम को चलेंगे 8 बजे। ओके, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। और वह मेरे बच्चों, सारे भाइयों ने राम राम राम। अरे भाई, ये है तारा देसी पत्रकार करमू। और यू है तारा देसी पत्रकार धर्मू। अरे भाई, जिस तरह तमने बेरा है हमारा खास प्रोग्राम सफर में हम सफर। अरे भाई, इसमें तमने बेरा है हर बार एक ऐसा कपल तो मिलवा कर रहा जो सफर में हम सफर बन गए। एक के सफर में हम सफर बन गए करमू भाई। हरियाणा पुलिस में है दोनों और पति पत्नी है। उन आज हम खास कार्यक्रम सफर में हम सफर में इनवाइट करा हूँ। यानी के भाई, नौजवान और नौजवान मिलकर 18 जवान हो गए। स्वागत है मिस्टर राजेश और मिसिज पूजा ढिल्लो, कम ऑन स्टेज। सबसे पहले तो मारे दर्शक ने राम राम मान दो जी। राम राम। और इब बैठ जाओ और सीट पे। राजेश भाई, ऊँ तो जीवन साथी टोन में घना टाइम लग जाए, नू सुन में आया है आप लोग एक सफर में हम सफर हो गए, इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा है धर्मू भाई, और सुन ले करमू भाई, इसमें पूरी की पूरी सच्चाई है, कोई झूठ नहीं, कि हम दोनों एक के सफर में हम सफर बनेंगे। मैडम, राजेश जी की बात में कितनी सच्चाई है? हाँ जी, ये सच्ची गल है, जमा 100 की 100। राजेश भाई, हमारे दर्शक हनी आपकी लव स्टोरी के बारे में डिटेल तो जानना चाहते हैं। भीतर की बात और भीतर की बात पूरी आन दे। तो बात इसी है धर्मू भाई और करमू भाई, मन ने होटल ले रखा था लीज पे मनाली में, और मैं गांव में आया हुआ था। वहां से मेरे वर्कर का फोन आता है कि भाई साहब जल्दी आ जाओ, आड़े सीजन शुरू हो गया है। हेलो राजेश भाई। हाँ, जल्दी से आ जाओ। ओ यार, इब्बे तो यार मेरा जी कर रहा था मैं गांव में रहूं कल दिन। अरे सीजन स्टार्ट हो गया, टूरिस्ट आने स्टार्ट हो गए। चलो ठीक है फिर यार, मैं कल आता हूँ। आज ही आ जाओ। आज? हाँ चलो ठीक है। अरे सुनो सुनो, थोड़ा माँ से चूरमा बनवा लाना। हाँ हाँ, ले आऊँगा ले आऊँगा, थोड़ा ज़्यादा लाना। चलो ठीक है, काट दे फोन। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच्ड ऑफ है। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी। माँ अभी तो इत्थे ही आ, रेखा भी नहीं आई। माँ आप टेंशन मत लो, मैं चली जाऊंगी। ओके बाय। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच्ड ऑफ है। ये
भैया जी बहन जी, ये मनाली दिवस कितने बजे जाती है? बहन जी बस तो निकल गई, अभी जस्ट अभी निकली है, और अब सुबह तक के लिए कोई बस नहीं है, ये लास्ट बस थी। भैया मेरा जाना तो बहुत जरूरी है, अब की वे जावांगी मैं? कोई बस नहीं है मनाली के लिए, अब तो प्राइवेट ही साधन मिल सकते हैं मनाली के लिए, जैसे गाड़ी, टैक्सी, ट्रक, आप अपने रिक्शे पे जा सकते हैं, अब आपकी मर्जी है। भैया वॉशरूम कितने है? अंदर है। बात बात पे दिया करे जो मैं पे ज्यादा जोर रे, अंदर से कुछ और है वो बाहर से कुछ और रे, अंदर से कुछ और है वो बाहर से कुछ और रे। हरदम मैं करने आड़ा अहंकारी पावे गहरे, अपने प्यारे गेल्या करता गद्दारी पावे गहरे, मन ही मन में तकता वो ते पर नारी पावे गहरे, अहंकारी साधु अंदर से संसारी पावे गहरे, ऊन्या रुकती भीतर में रही उठ कुदरती लोर रे, अंदर से कुछ और है वो बाहर से कुछ और रे, अंदर से कुछ और है वो बाहर से कुछ और रे। अरे सरदार जी, क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? भैया पहचान में नहीं आई मैं। अरे बहन जी, आप तो बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहे। भैया आप तो जा सकते हो ना मैं किसी के भी साथ? हाँ अरे बिल्कुल, आप तो आप जा सकते हैं किसी के भी साथ। भैया थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। अरे कोई नहीं कोई नहीं, बैठो मैं आपके लिए एक चाय बना के लाता हूँ कड़क सी। अरे एक चाय लेके आना भाई। भाई साहब कहाँ जा रहे हो आप? मैं मनाली जा रहा हूँ। भाई साहब हमारे एक सरदार जी हैं, उनकी बस मिस हो गई, उनका पेपर है, क्या आप उनको मनाली तक छोड़ देंगे? बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ हाँ छोड़ देंगे यार, छोड़ने में की है। धन्यवाद। कोई बात नहीं सरदार जी, आप हमारे साथ चलना, कोई दिक्कत ना मानो, सुबह छोड़ देंगे घसड़ देसी। ओ ठीक है जी। हाँ भाई कितने हो गए तेरे पैसे? 70 रुपए। ले भाई 70 ले ले। अरे सरदार जी आओ। सरदार जी ड्राइवर मान गया कि आगा आ जा, अगली सीट पर आ जा, बोलते बतलाते चलेंगे, आ जा।
आजा आ रहे हैं। रशीद भाई, भाईजान ने जो काम दिया है ना, उसको अंजाम देके और भाईजान की नजरों में हमारी कितनी इज्जत हो जाएगी। ध्यान से। अरे अल्लाह ताला सब ठीक करेंगे। अरे क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? सलमान भाई, आगे पुलिस का नाका है। वापिस लो। वापिस नहीं जा सकते, वन वे है। अब क्या करें? ऐसा करते हैं, गाड़ी को यहीं छोड़ते हैं और उठा लेंगे। निकलो यहाँ से। चलो निकलो। ओ सरदार जी, क्या टेंशन है, ऐसा चुपचाप क्यों बैठे हैं? ओ यारा, कोई टेंशन नहीं है, कल एग्जाम है, आधे बारे सोच रहा सी। ओ घनी टेंशन मत ले, सब अच्छा होगा। अच्छा एक बात बता, तेरा ब्याह हो गया कि ना? मेरा नहीं हुआ। और तुआडा? ओ यार मन नहीं पड़ना इस चक्कर में। क्यों यार? शादी से पहले ना आदमी शेर की जिंदगी जीवे है, और शादी के बाद में गादड़ की, मन ने जिंदगी नहीं जीनी। ऐदा तो कुछ नहीं होंदा। तेरा ब्याह हो जाएगा ना जिस दिन, सब बेरा लग जाएगा जब भांडा कुत्ते तेरिया पछ पछे। औरतों को लेके आपकी सोच कुछ अच्छी नहीं है। ऐदा कुछ नहीं होंदा जड़ा आप सोच रहे हैं। जो लड़कियां हो ना, बड़ी घमंडी हो है, अपने घराले ना उंगली पर नचाने की कोशिश करे हैं, मन ना इसी जिंदगी नहीं जीनी। मैंने तो आप दी लोमड़ी वाली गल लग दी है कि अंगूर खट्टे हैं, कोई कुड़ी मिली नहीं होनी इसलिए कमियां निकाले जा रहे हो। वो यार रिश्ते वाले ना घर में लाइन लग रही है, पर मैंने अपने बाबू को मना करा क्या है कि मन ब्याह नहीं करना। हाँ जिस दिन को मेरे हिसाब की मिल गई उस दिन देख लेंगे। चलो आपकी मर्जी है, पर एक बात कहना हूं, शादी के बिना एक आदमी की कोई इज्जत नहीं है, लोग उसे शक की नजरों से देखते हैं। तू लड़कियां की मैं घनी तारीफ नहीं कर रहा सरदार जी? हाँ कुड़िया होंदी तारीफ दे लायक है, इस दुनिया विच कुड़िया दे बगैर कुछ भी नहीं है। वो यार छोड़ सारी बातें, भूख लगी है, होटल आते ही खाना खाते गई, तब तक एक गाना सुन देते हैं। जगन्नाथ इस माया का चमत्कार देखता रह गया रे, मेरे कारण दुनिया लेगी बाजार देखता रह गया रे, ऊपर ऊपर ते लोगा का। अरे भाई आना एक बार इधर। अरे सरदार जी क्या लोगे? ओ जो तू मंगा ले यारा। अरे तू भी बता दे यार कुछ है। क्या क्या है? दाल फ्राई, दाल मखनी, आलू मटर, मटर पनीर, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, मिक्स वेज पनीर, बटर छोला और दम आलू। अरे बस बस बस। अच्छा ऐसा करे, एक दाल मखनी, एक मिक्स वेज, ठीक है जी, और रायता और लस्सी, मिस्सी रोटी फटाफट लेकर आ जा। कितनी देर में आएगा? 15 मिनट लगेंगी। तब तक है ना 2 गिलास एक खारा और पानी ले आ। ओ यार कितनी देर होगी, कब आएगा? ओए आ जा यार। लो सरदार जी
ओ मैं नहीं पींदा। अरे सरदार हो के दारू नहीं पी रहा? हाँ तो नहीं पींदा। पहला सरदार ऐसा देखा मतलब जो सरदार हो के दारू नहीं पी रहा। ओ सरदार जी के लिए ना एक ठंडा ले जाना भाई। ओ नहीं नहीं मैं ठंडा भी नहीं पींदा। चल एक फ्रूटी ले आ भाई। यार सरदार जी मन न्यू लग गए है कि भगवान है ना तन लुगाई बनाते बनाते भूल में सरदार बना गया। फ्रूटी लिया। चलो भाई हम पी लेते हैं। तू ठीक है भाई? रोटी का भी अपना ही मजा है। कहाँ रह गया? थैंक यू भैया। अरे पियोगा ना मजा आ जाओगा। रोटी पीने में क्या मजा है? सुकून है भाई सुकून। अच्छा इसमें सुकून आया तने? सुकून तो इसमें है। अरे वाह डाल भाई डाल। क्या बात है भाई। ओ सरदार जी बुरा ना मानो एक बात पूछूं। हाँ जी बोलो प्रावा। यार तुम खाना भी बिल्कुल औरतों की तरह परोस रहा है। अभी कुछ देर पहले तक तो आपके औरतों को लेके विचार बड़े अलग थे, अब थोड़ी थोड़ी देर में लुगाई लुगाई किए जा रहे हो। ओ यार दिखा तो यार मैंने बोल दिया यार। वो अपने घर में मैं खुद डालता हूँ ना खाना। ओहो अच्छा फिर तो अपना खाना बनाना भी आता होगा। हाँ बिल्कुल आंदा है। ओहो फिर तो ये आपका एक्सपीरियंस बोल रहा है। पर यार सच बताऊं तू आदमी बड़ा चंगा है। मैंने पता है मैं बहुत चंगा बंदा हूं। अगर तू नहीं आता ना सच में यार जमा मजा नहीं आता बिल्कुल भी। ओ खाना खाओ जी। अच्छा ना खाना? एकदम बढ़िया। दो पैग मार लेता तो और भी बढ़िया लगता। तो अनु ही आता होगा। मजा आ गया। हाँ सर बोलिए। ओ नमस्कार सर। ये दो लोग देखे आपने? सर इनको तो नहीं देखा लेकिन दो लोग यहाँ पे ठहरे हुए हैं उनको मैं दिखा सकता। दिखा सकते हो? हाँ दिखा सकते। चलो आओ जी। यहाँ तो कोई भी नहीं है सर। लगता है वो चले गए। दोबारा वो लोग दिखे ना तो 100 नंबर पे कॉल करना। ठीक है साहब। राजेश भाई और तो सारी बात छोड़ो नु बताऊ मैडम तो प्यार कद होया था आपने? यार कर्म प्यार तो जब होता जब मैंने मेरा लगता कि यार लड़की है। अरे यार इस सरदार तो क्यों कर प्यार करता यार मैं। तो पूजा जी आपने पहली बार राजेश जी तक कद प्यार होया और वो पहले जो प्यार की बोनी हुई वह पल वह बताओ जी आप। एनू विक्की मैंने कभी लगया ही नहीं कि ये प्यार दे लायक भी हैं। फिर सारी रात सफर में चलने के बाद सुबह एहसास हुआ कि
ओ एथे की करने आए? ओ सरदार जी नहाएंगे यार, कितना अच्छा मौसम है, नदी चल रही है यार, मजा आ जाएगा ना आके। ओ मैनू नहीं नहाना इधर। ओ यार कैसी बात करता है यार, सारी रात होगी सफर में चलते हुए यार, मजा आ जाएगा ना आके। निकाल कपड़े। ओ मैंने नहीं नहाना इतने, तुसी नहाओ, ए कोई नहाने दी जगह है? ओ यार बस तेरी मर्जी है, नहा या ना नहा, मैं तो नहाऊंगा यार। ओ तुसी नहाओ, मैं तो चला गाड़ी विच। ओ गाड़ी में क्यों जा रहे यार, यहीं बैठ जा। ओ सुन 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 सुन, ओ यहीं बैठ जा यार। ओ मैं चला। ओ यार तू बैठ यार, मैं अभी नहाया यार, एक मिनट में, तू बैठ जा। चल सरदार जी, ओ चल, ओ चल, वो आ जाए यार। ओए साइड हट, ये मारा मामला है। ओए तेरा मामला नहीं, अब ये मेरा मामला है, इसने मेरे को भाई बोला है। अच्छा तू ऐसे नहीं मानेगा? थैंक यू भैया, आपने मुझे बचाया। थैंक यू की के बात से, तू मेरी बहन जैसी है, ये तो मेरा फर्ज था। चल मैं तने घर तक छोड़ आऊं। नहीं मैं अब चली जाऊंगी, अब मुझे कोई डर नहीं है। चल ठीक है, जानता जाना। ओ सरदार जी, ओ यार तू खड़े खड़े देखता रहे यार, कैसा सरदार है तू, झगड़ा हो गया यार, तू आया भी नहीं पास में। चला चलते हैं, आजा। बेटा पानी ले गया ना। दो चाय भी लेके आना। एक मिनट, भाईजान का फोन है। जाओ जाओ। सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। अरे तुम महफूज हो ना भाईजान? चेकिंग बहुत था, बच बचा के निकलाई। अरे बहुत सावधानी से काम करना, हमारा मिशन हर सूरत में पूरा होना चाहिए। भाईजान टेंशन मत लो, हम मिशन को पूरा करके ही दम लेंगे। अच्छा ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज भाईजान। क्या कह रहे थे? भाईजान का फोन था, मिशन के बारे में बोल रहे थे। आप टेंशन ना लो, अल्लाह ताला सब ठीक करेंगे। चाय पियो। तेनू की लोड़ थी पंगा लेने दी, कुछ उल्टा सीधा हो जांदा तो। ओ सरदार जी यार मेरे तो शक होता यार, तू सरदार भी है क्या नहीं है? ओ यार एक लड़की की इज्जत बचाना हमारा फर्ज था, और तू कह तक वेला के पंगा क्यों लिया? ओ कल तो तू कुड़िया बारे बड़ा उल्टा सीधा बोल रहा सी कि कुड़िया घमंडी होंदी है, मैनू शादी नहीं करनी, और आज तू उनका रक्षक बन गया। ओ सरदार जी मैं अपनी आंखों के सामने ना गलत काम होते नहीं देख सकता, चाहे मेरी जान क्यों नहीं चल जाओ, मैं जवाब जरूर दूंगा। ओ चल ठीक है, मैंने भूख लगी है, किसी ढाबे विच रोक ले।
सरदार जी उठ ले, वो पुलिस आ रही है, चेकिंग होगी। कहां से आए हो? हरियाणा से। साइड में लगाओ, चेकिंग करनी है। खोलो इसे। देख लो जी, क्या की तलाशी चल रही सरिया? दो आतंकवादी घुस आए हैं, उनकी तलाशी चल रही है। हम तो देसी आदमी हैं जी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक, बंद कर ले इसने। सरदार जी तू भी तलाशी दे। मैं नहीं दूंगा तलाशी। ओ सरदार जी, क्यों लड़कियों तरफ बकवास कर रहे? दे दे यार तलाशी यार, क्यों खाम का फंड यार, मैंने को दूरी होनी है। जाएं हम? आ जाओ। ठीक है। रशीद भाई, गाड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा। करेंगे। सलाम भाईजान। सलाम। ये लो सामान, और भाईजान ने बोला मिशन को अच्छी तरह से कामयाब करना। तुम फिक्र मत करो, हम अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ओ सरदार जी, तन्ने की लागे है आतंकवादी पकड़े जाओगे? ओ मैनू नहीं लगता, अपने देश विच गद्दार इतने हैं जो उनका साथ दें दे। मेरा तो इशा जी कर रहा है। कैसा? इन सारे गद्दारों ने कट्ठे करके बम गिरा देना चाहिए। पर करे कौन? पर एक बात कहूं? हाँ पूछे, या के पूछने की बात से? जब मैं तेरे साथ गाड़ी विच बैठा था ना, मैनू बहुत डर लग रहा सी, लेकिन अब बड़ा चंगा लग रहा है, कुछ अपना पन सा लग रहा है, जैसे मैं तेनू वड़े दिनों से जानता हूँ। सरदार जी, मैं तेरे घना याद आऊंगा, क्योंकि मैं आदमी ऐसा हूँ। ये तो मैनू भी लगता है। क्या लग रहा है? कि तू मैनू बड़ा याद आएगा। सरदार जी, वो आदमी के जो मतलब किसी का याद नहीं आया, और आपा तो भैया ऐसे ही है।
ठीक है, मैं पैसे दे आता हूँ। सरदार जी चलो। पूजा जी, ये बाप इनका प्यार में कसूत्र डाल फंस लिए थे। पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन अभी मनु अच्छे लगने लगे थे। राजेश भाई, कद एहसास होया आपने अगर आपने प्यार हो गया? अरे धर्मू भाई, फिर वही बात है। अरे एहसास तो जब हो, जब मैंने बेरा हो या लड़की है, या तो एक लिए प्यार के समुद्र में गोते लाने लग रही थी। पूजा जी, जब आपने राजेश जी इतने अच्छे लगन लग गए थे, फिर भी आपने इन तक क्यों नहीं बताया कि आप एक लड़की हो? नहीं, अभी नहीं बताना चाहती थी, अभी मैंने और जाने की जरूरत थी ने। तो पूजा जी, सारा मामला बताओ, किस तरह प्यार किया पिंग आग बढ़ी? हम जैसे ही खाना खा के गाड़ी में बैठे और चले, तो कौन हो तुम भाई? जैसा मैं बोलूं वैसे करते रहो, वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा। ओ कौन हो आप लोग और हमारे नाल एक ही कर रहे हो? ज्यादा बोलने की कोशिश मत कर, अगर ज्यादा बोला तो जीवन में कभी बोलने के लायक नहीं रहेगा। यहाँ से राइट ले, आगे देखोगे। इनका क्या करें? रशीद भाई, इनका कुछ तो करना होगा। मार देते हैं। अरे मारने में ज्यादा दिक्कत होगी, साथ ले चलो। ओए उतर, उतरो गाड़ी से नीचे। ओए सरदार जी उतर, चलो पीछे करा। ए, चल। इधर चल, ले आओ इसको, ले आओ। चल चल। आगे देख, अरे कौन हो तुम? अड़ा हमने क्यों ले आए हो? ए, ज़्यादा मत बोल, नहीं तो ठोक दूंगा यहीं पे। आ, 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 अरे कसूर क्या है हमारा? कसूर? तुम हिंदुस्तानी कुत्ते हो? या अल्लाह! रशीद भाई, तुम इनका ध्यान रखना और मैं पार्टी का इंतजाम करता हूँ। ठीक है सलमान भाई। हाँ।
वाहेगुरु। ऐ कितने बस गए यारा। ओ सरदार जी, मन न्यू लग गया है ये वही आतंकवादी हैं जिन्हें पुलिस वाले ढूंढ रहे थे। ये वही आतंकवादी हैं। वाहेगुरु। अरे यार। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच्ड ऑफ है, कृपया कुछ डाल। रहित भाई थोड़ा ज्यादा डाल। दारू भी क्या चीज है रशीद भाई, सब काम भुला देती है। सलामुअलैकुम भाई जान। वालेकुम सलाम। अरे सारी तैयारी हो गई ना भाई जान? सब तैयारी है। कल इतना बड़ा धमाका होगा पूरा हिंदुस्तान हिल जाएगा। बहुत अच्छे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज भाई। हाँ सलमान भाई। भाई और भाई। हाँ भाई लो। शराब के साथ, दारू के साथ शराब भी है यार। ये लो सलमान भाई। यार आज उनको भी पिलाई जाएगी। बिल्कुल। खुशी का मौका है। जाओ। खिलाने बुलाने के बाद ही मुर्गा हलाल किया जाता है। सरदार कैसे हो तुम? क्यों पकड़ रखा है तुम लोगों ने हमें? छोड़ दो, छोड़ दो। छोड़ देंगे, आजाद कर देंगे दुनिया से। और तुम दोनों नहीं, तुम्हारे साथ इस दुनिया से हजारों आदमी जाएंगे। इंजॉय। अरे पीले पीले। अरे सरदार, सरदार इंजॉय। इंजॉय। क्या बात है रशीद भाई, बहुत स्माइल है आज तो। इंजॉय सलमान भाई, इंजॉय। दारू के साथ ख्वाब भी हो जाए तो मजा आ जाए। ख्वाब है नहीं, दारू पिएंगे। ओ यारा। हाँ। एक गल बता। पूछो। अगर तू शादी करेगा तो तेनू कैसी कुड़ी चाहिए है? ओ यार तू कैसी सिचुएशन में कैसी बात कर रहा है, मन लगा तेरा नशा हो गया। हाँ, नशा हो गया। कल पता नहीं जिंदा रहे ना रहे, पता ना तेको कैसी गुड़ी चाहिए है। ओ यारा मैंने सुना है जैसा हम सोचते हैं ना हमारे साथ वैसे ही होता है, तुम नेगेटिव क्यों सोचे? तेरे लिए मैंने एक कुड़ी देखी है,
तू बोले तो बात चलाऊ। ओ यार तू सच में पागल हो गया है, सर पे मौत खड़ी है और तने दुल्हन बावे हैं। अगर सोचना तो ये सोच के इनसे कैसे बचें, इनसे पीछा कैसे छुड़ाएं, इनके प्लान को कैसे खत्म करें। ओ यार तू मैंने बस एक बार दस दे, उसके बाद तो मैं देख लूंगा। अच्छा तो सुन ले भी, मन चाहिए सुंदर, संस्कारी, ब्यूटीफुल, कोमल हृदय वाली। अगर इसी कोई मिले तो मैं फिर उसकी गिरिया शादी करूंगा। फेस हो क्यूटी ब्यूटी, लगे मुझे क्यूटी क्यूटी, वनखरे आली हो। फेस हो ब्यूटी ब्यूटी, लगे मुझे क्यूटी क्यूटी, वनखरे आली हो। शान हो भोली भोली, वो पहरे लहंगा चोली, कान में वाली हो। फेस हो ब्यूटी ब्यूटी, देख के भूख सी बाजे, रतल में मोर से नाचे, सादगी परिया वर्गी, ये कुदरत फोटो खाचे। हाय सादगी परिया वर्गी, ये कुदरत फोटो खाचे। मेरे भी बाग ये खुल जा, वो जिस दिन मन ने मिल जा, मेरी दिवाली। फेस हो ब्यूटी ब्यूटी, लगे मुझे क्यूटी क्यूटी, वनखरे आली हो। शान हो भोली भोली, वो पहरे लहंगा चोली, कान में वाली हो। फेस हो ब्यूटी ब्यूटी, मेरा एतबार करे जो, नखरे हर बार करे जो, बखत पे साथ खड़ी हो। आ इतना प्यार करे जो, बखत पे साथ खड़ी हो। आ इतना प्यार करे जो, रजिस की बात मदम हो, किसे पे वा नहीं कम हो, किसी घर आली हो। फेस हो ब्यूटी ब्यूटी, लगे मुझे क्यूटी क्यूटी, वनखरे आली हो। शान हो भोली भोली, वो पहरे लहंगा चोली, कान में वाली हो। फेस हो ब्यूटी ब्यूटी। ओ सरदार जी, सरदार जी कितने खो गया? ओ यही हो यही हो। ओ यार मेरे हाथ खोलने का जुगाड़ कर कुछ यार। तो एक काम कर, हाँ? पुट्ठा लेट जा। ओ के कर रहा है यार तू? ओ सही कह रहा हूँ, पुट्ठा लेट। ओ खोल गया, खोल दिया, खुल जाएगा, खुल जाएगा, आज खुल जाएगा, खुल जाएगा यार। चल पुट्ठा लेट। आजा 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 आजा
सलमान भाई। ओ यारा क्यों यार? ओ यारा अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। अरे हो जाएगी यार, कैसी बात कर रहे हैं यार, आजा हो जाएगी। तू तो कुहार की मत पाएगा, फाक फाक फाक। रशीद भाई ओ सरदार जी, आज कुछ कर गुजरने का मौका देश के लिए। ओ ये आतंकवादी है ना, हमारे देश को तबाह कर देंगे, ठीक है? वो आज है ना, अपने अंदर को जगा, देशभक्ति को जगा, ठीक है? आने दे, देखते हैं। ओ ठीक है, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। आज की रात आखिरी रात है सरदार जी, तेरा की होगा। मर गया, चलो 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 इसको उधर ले चलते हैं, चल खड़े खड़े लो, उठाओ उठाओ तो पीछे उठाओ, उठाओ उठाओ। अरे चल उधर उधर, चल चल, अरे चल चल चल। कल सुबह तुम्हें आजाद कर देंगे हजारों आदमियों। रात की रात आखिरी रात। या अल्लाह। ओए सरदार। साले। सलमान भाई तो अल्लाह को प्यारे हो गए। क्या बकवास है? मैं तेरा बाप, एक सच्चा हिंदुस्तानी। मैंने भी दे। लाख बुरा चाहे बंदिया तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर रब होता है। वंदे मातरम रख साले। चलो चलते हैं। आजा। ओ
ओ यारा। अरे क्यों हो यार? थोड़ा धीरे चल, मैनू डर लगता है कुछ जानवर आ गया तो। ओ यार पहला ऐसा सरदार फिट है जो इतना फट्टू है, लुगाइयां ही डाल रहे हैं यार। ओ जानवरों को क्या पता कि मैं सरदार हूँ। ओ यार तू मेरे आगे आ जा, चल आगे। ओ चल चल। वंदे मातरम। सर सल्यूट है आप दोनों ने। आप लोगों ने बहादुरी का परिचय देते हुए हजारों लोगों की जान बचाई है। करमू भाई मेरा मानना यो है कि सबसे पहले देश होता है, अगर देश सुरक्षित है तो हम सारे सुरक्षित हैं। और मेरा तो सारे दर्शकों तक यो ये कहना है कि भाई देश पर कोई बात आओ तो सारी बातें पीछे छोड़ के हमने देश खातिर खड़े हो जाना चाहिए। तो राजेश भाई ईब तो बेरा पट गया होगा, अकियो सरदार कोनी या छोरी है? कित बेरा लग गया इब्बे, इब्बे नहीं बेरा लग गया। राजेश भाई बता भी दे, इब तो सस्पेंस खत्म कर दे, खत से है प्यार। बस इब अगले सीन में सस्पेंस खत्म कर ले। अरे के कर रहे यार सरदार जी, डरता इतना, लड़कियों इतना डर रहा है, चल यार चल। अरे चल 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 चल। आगे यार देखे आगे। ओ यार सरदार जी मेरे तो परस उड़ रह गए यार। ओ तू छट यार उसे, चल तू। आगे आप? हाँ आगे। लेट कैसे हो गए? अरे होगी थी कोई बात है। कितने फोन मिलाए थे आपको? सब अंगेज जा रहा था। अरे कुछ बात होगी थी, मैं कल बताऊंगा तुम्हें। ये सरदार जी कौन है? ये सरदार जी अपने दोस्त हैं। ऐसा कर दो आदमियाँ खाना बनवा दे और सरदार जी के लिए एक बहुत अच्छा सा कमरा खोल दे, थक रहे सरदार जी आराम कर लेगा। जल्दी कर सरदार जी, आप करो आराम।
मुझे इश्क हो गया है तुमसे, तुम भी बोल दो। जब से मिले हो तुम मेरी धड़कन में हो। ये जमीन ये गगन ये है चांद सितारे हमारे हैं, तुम भी तो हो। दिल है हमारा ये घर है तुम्हारा, दिल में बस तुम ही रहो। मुझे इश्क हो गया है तुमसे, तुम भी बोल दो। जब से मिले हो तुम मेरी धड़कन में हो। हर जहां को अरे सुभाष। हाँ राजेश भाई। सरदार जी उठा नहीं क्या? नहीं इधर आए नहीं अभी। अच्छा, अरे 11 बज गए, अभी तक तो उठ जाना चाहिए था। चलो थक रहा था बेचारा, चलो मैं देख के आता हूँ। ओ सरदार जी, ओ उठा नहीं क्या? ओ दिन लिकड़िया सरदार जी। कितने कमरे लगे आज? 10 लगे हैं। अच्छे रेट में लगे हैं ना? हाँ सही लगे। चलो बढ़िया है। ओ यारा, बस कितने बजे जाती है चंडीगढ़ दी? ओ सरदार जी, जाएगा तू आज? ओ हाँ यारा, एग्जाम तो हुआ नहीं, तो अब चलना ही चाहिए। ओ यार, पहली बार तो तू मनाली आया है, आज तो तेरे को घुमाएंगे फिराएंगे, यहाँ की वादियाँ दिखाएंगे। नहीं यारा, घर जाना है, बहुत जरूरी काम है। ओ यार, अभी तो तू मेरा दोस्त बनया है, अपने दोस्त की बात नहीं मानेगा तू? चल तू कहता है तो एक दिन होर रुक जाता हूँ। ये हो ना दोस्तों वाली बात, क्या बात है। माँ का फोन है, एक सेकेंड। हाँ माँ। हाँ माँ। मैं कल आऊंगी, बाय।
और तुसी लड़कियों के कपड़े क्यों देख रहे हो? सरदार जी, मेरे एक बात समझ में आएगी कि लुगाई बिना कोई जिंदगी नहीं। मन ने फैसला कर लिया कि मैं भी शादी करूंगा और फिर घरवाली को शॉपिंग करवानी पड़ेगी, तो अभी से सीख लेता हूँ चीजें, ना तो फिर मेरे को लग दिक्कत होगी, है ना? ये ले लूं, ठीक है ना? ये जा रहे हो सरदार जी? हाँ जी, पर तुम्हारे नाल जो वक्त बीता ना, बहुत चंगा था जी। ओ सरदार जी, मेरी याद तो आएगी ना तने? तो राजेश भाई, तने बेरा तो पट गया था, अक भैया छोरी है, लेकिन मेरे ख्याल था इसका मुंह तक कटवाना चाहो था। हाँ, मैं चाहूं था कि यह खुद बोल ले, इसीलिए मैंने थोड़ा थोड़ा चढ़ाऊं था। मैंनू नहीं पता था कि इन्होंने पता है कि मैं एक कुड़ी हूँ। राजेश भाई, मनाली में आपका होटल, इनका पेपर, आप दोनों पुलिस में क्यों कराए? इसके पाछे भी एक कहानी है। एक और कहानी, इसका कितना सस्पेंस है? बस ही हो जाएगा खत्म।
राम राम ताऊ। राम राम भाई, राम राम। आजा बैठ जा। करवा लिया भी राजेश ने बिया नाट्य करता। अरे बेटे राजेश की के मती इसी बहु न देख कर देखी सब आमा भाले भाई। सही कहा ताऊ, मेरे बाप भी बहुत सुथरी हरी है ताऊ। बहुत सुथरी है भाई, बड़ी जोट मिली। जमा बढ़िया ताऊ, बड़ी जोट मिली। अच्छा, ये पर्स आपका है? हाँ जी, मेरा है। इसका मतलब उन दोनों को आपने मारा है? नहीं, हम दोनों ने मारा है। फिर डर क्यों रहे हो? आप दोनों ने बड़ा बहादुरी का काम किया है। आपने देश को इतने बड़े खतरे से बचाया है। हरियाणा सरकार आपको पुलिस में भर्ती करना चाहती है। आपने बड़ा ही महान कार्य किया है। आप देश के लिए एक मिसाल हो। अच्छा राजेश भाई और पूजा जी, तो न्यू आए था हरियाणा पुलिस में? हाँ जी। और न्यू आए था हमारा इस खास कार्यक्रम हाँ जी। सफर में हम सफर में। तो भाई इसे डाल के खास किरदार तमने फिर हमारे कार्यक्रम में देखने मिलेंगे। और राजेश भाई का, पूजा जी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास कार्यक्रम में पहुंचने पे। जय हिंद, राम राम, सब ने मरी राम राम। बात बात पे दिया करे जो मैं पे ज्यादा जोर रे, अंदर से कुछ और है वो बाहर से कुछ और रे, अंदर से कुछ और है वो बाहर से कुछ और रे। हरदम मैं करने आला अहंकारी पावे गहरे, अपने प्यारे गेल्या करता गद्दारी पावे गहरे, मन ही मन में तकता वो ते पर नारी पावे गहरे, अहंकारी साधु अंदर से संसारी पावे गहरे, ऊन्या रुकती भीतर में रही उठ कुदरती लोर रे, अंदर से कुछ और है वो बाहर से कुछ और रे, अंदर से कुछ और है वो बाहर से कुछ और रे। मैनू कर दू मैनू कर दू जो सब तह गणा बके, कह के राजी ओले से कर कुछ भी ना सके, और अपने में ना सबर करे धन और कात के, पूरा की करे बुराई अपने ऐब ने ढके, ऐसे मानस दोरे ओसे सुखी बोरे बोर रे, अंदर से कुछ और है वो बाहर से कुछ और रे, अंदर से कुछ और है वो बाहर से कुछ और रे। एकादा ते ऊपर ते बड़ा संत दिखाई दे, और ऐसे कर्म करे यो सारा जगत बुराई दे, और दो भाइयों में चुगली करके करा लड़ाई दे, वो तो एक जने की जाके ने फिर आप गवाही दे, और झूठे बोलने आला ओसे राम जी का चोर रे, अंदर से कुछ और है वो बाहर से कुछ और रे, अंदर से कुछ और है वो बाहर से कुछ और रे। ज
जगन्नाथ इस माया का चमत्कार देखता रह गया रे। मेरे कारण दुनिया लेगी बाजार देखता रह गया रे। ऊपर ऊपर ते लोगा का प्यार देखता रह गया रे। यो भीतर बढ़के देखा कोन्या बाहर देखता रह गया रे। परमात्मा से नहीं मिलाई जिन्हें आत्मा की डोर रे। वो अंदर से कुछ और है वो बाहर से कुछ और रे। अंदर से कुछ और है वो बाहर से कुछ और।